हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सेलेंस। आई एम रमेश निषाद एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 12 सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन 2 लॉस्ट स्प्रिंग। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल सी 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, हु वाज साहिब, साहिब कौन था। व्हाट वाज हिज फुल नेम, और उसका पूरा नाम क्या था, फुल नेम क्या था। व्हाट वाज ही डूइंग एंड व्हाई, वह क्या कर रहा था और क्यों। सो आंसर, साहिब वॉज अ यंग बॉय ऑफ स्कूल गोइंग एज, मीन्स साहिब एक छोटा लड़का था और उसकी एज थी स्कूल जाने की एज। हिज फुल नेम वॉज साहिब ए आलम, और उसका पूरा नाम था साहिब ए आलम। ही वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन गार्बेज दैट कैन गेट हिम सम कॉइन्स। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा कचरा। और वो क्या खोज रहा था, लुकिंग फॉर मीन्स खोजना या ढूंढना, और वो गार्बेज में कई चीज़ें खोज रहा था, जैसे कॉइन्स वगैरह है या सिक्के वगैरह जो भी है। हिज फैमिली हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड पॉवर्टी देयर, और उसके जो परिवार वाले हैं वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से आए हैं। किस लिए आए हैं, बिकॉज ऑफ द वायलेंस एंड पॉवर्टी, हिंसा की वजह से और गरीबी की वजह से, पॉवर्टी की वजह से। ही वॉज डूइंग दिस फॉर हिज लाइवलीहुड, और ये इसलिए करता है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ साहिब्स फुल नेम, साहिब का जो पूरा नाम है उसका मीनिंग क्या है, उसका अर्थ क्या है। डज ही नो इट, क्या वो ये बात जानता है। हाउ डज़ ही कंडक्ट हिमसेल्फ, और वो स्वयं के साथ कैसे कंडक्ट करता है, स्वयं को कैसे कंडक्ट करता है, कैसे व्यवहार करता है। आंसर, हिज फुल नेम इज साहिब ए आलम, उसका पूरा नाम है साहिब ए आलम, और इट मीन्स द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और इसका अर्थ है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, मीन्स संसार का मालिक, ब्रह्मांड का मालिक। He doesn't know it, और वो ये बात नहीं जानता है। He is a rag picker and roams barefoot with other rag pickers. और rag pickers means होता है कूड़ा कचरा बिनने वाला, barefoot means होता है नंगे पैर, और वो एक rag picker है, और वो अपने other जो rag pickers है उनके उसके जो साथी हैं उन लोगों के साथ वो भी नंगे पैर घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉमिस हैड द राइटर मेड विद साहिब, व्हाट वाज इट दैट एम्बरेस्ड हर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ऑथर है वो साहिब के साथ क्या प्रॉमिस करती है, यानी उन्होंने कौन सी प्रॉमिस की थी, एंड व्हाट वाज इट दैट एम्बरेस्ड हर, और वो क्या बात थी जिसकी वजह से जो ऑथर है वो एम्बरेस्ड फील करती है, लज्जित फील करती है। सो आंसर, द राइटर मेड अ प्रॉमिस टू साहिब इफ सी वुड ओपन अ स्कूल वुड ही कम। साहिब आंसर्ड पॉजिटिवली, बट द राइटर हैड टू फील स्मॉल व्हेन आफ्टर अ फ्यू डेज साहिब आस्क्ड हर इफ हर स्कूल वॉज स्टार्टेड। मेड अ प्रॉमिस मीन्स होता है वायदा की, यानी वादा की। इफ मीन्स यदि, ओपन मीन्स खोलना, ओके, आंसर मीन्स होता है आंसर देना, पॉजिटिवली मीन्स होता है सकारात्मक। और इस तरह से क्या बात होती है कि जो राइटर है, ऑथर है, वो साहिब से प्रॉमिस करती है कि यदि मैं स्कूल बनाऊंगी तब तुम क्या मेरे स्कूल में आओगे। तो साहिब जो है वो पॉजिटिवली आंसर देता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो आपके स्कूल में आऊँगा ही। बट होता क्या है कि जो राइटर है वो ऐसी मजाक मूड में कही थी कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो तब तुम क्या आओगे, बट वो स्कूल नहीं बनाती है। लेकिन वो जो लड़का है वो दौड़ते हुए अचानक से कुछ दिन बाद आता है और वो पूछने लगता है कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। बट जो ऑथर है वो बताती है कि अब उनको झूठ बोलना पड़ता है, लज्जित फील करती है इसी वजह से, कि वो कहती है कि अभी स्कूल बनने में टाइम है, जब स्कूल बन जाएगा तब आना। सो इस तरह से इसी वजह से उनको लज्जा फील होती है, यानी ऑथर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द राइटर रिकॉग्नाइज
ईच ऑफ द रैग पिकर्स इन हर नेबरहुड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो राइटर है, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, रैग पिकर्स मीन्स होता है कूड़े कचरे बीनने वाले, नेबरहुड मीन्स पड़ोसी। सो जो राइटर है वो अपने पड़ोसी जो रैग पिकर्स है उनको वो हर एक को कैसे पहचानने लगी थी। सो आंसर, वन डे द राइटर मेड एन एक्वेंटेंस विद साहिब हु वॉज अ रैग पिकर एंड द अदर रैग पिकर्स वर हिज फ्रेंड्स। सो एक दिन क्या हुआ कि जो ऑथर है वो साहिब और साहिब के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत की और उन्होंने उस दिन से एक पहचान बनाई। दे कैम एवरी मॉर्निंग एंड डिसअपीयर्ड एट नून। द राइटर यूज्ड टू वॉच देम विथ डीप इंटरेस्ट ओवर द मंथ्स। सी कैम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और वो जो बच्चे थे वो सुबह दिखाई देते थे और दोपहर के समय तक वो लोग गायब हो जाते थे। और जो ऑथर है वो क्या करती थी, यूज टू वॉच मीन्स देखा करती थी उन बच्चों को, वो देखा करती थी रोज़ देखा करती थी कि वो लोग सुबह आते थे फिर रैक पिकिंग का काम करते थे और इस तरह से वो लोग दोपहर तक गायब हो जाते थे। सो जो मंथ के अंत तक जो राइटर है वो सारे बच्चों को पहचान चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप, वाज ही हैप्पी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साहिब है उसने नई जॉब ज्वाइन की थी तो वो उस जॉब के साथ खुश था। सो आंसर, साहिब टुक अप द जॉब एट अ टी स्टॉल। साहिब ने एक जॉब ज्वाइन की थी कहाँ पे, एक टी स्टॉल में, एंड ही वॉज नॉट हैप्पी विथ इट, और वो इसके साथ खुश नहीं था। ही वॉज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और वो अब स्वयं का मास्टर नहीं था। मीन्स पहले जब वो रैक पिकिंग का काम करता था गार्बेज में तो वो स्वयं का मास्टर था, अपनी इच्छा से वो जाता था, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करता था, हंसी खुशी से रहता था, हालांकि वो गार्बेज में काम करता था। बट जब वो टी स्टॉल में काम करने लगा है तो उसका जो मास्टर है कोई दूसरा है और वो अब स्वयं का मास्टर नहीं रहा। हिज फेस हैड लॉस्ट द फेयर फ्री केयर फ्री लुक, और उसका जो चेहरा है वो केयर फ्री लुक को खो चुका है। दो ही अर्नड 800 रुपीज, इवन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और हालांकि वो 800 रुपये लेता है, इट मीन्स मंथली 800 रुपये पैसे मिलता है उसको और उसके साथ साथ खाना भी मिलता है, बट फिर भी वो पहले जो केयर फ्री जो लुक था वो अब वो खो चुका है और इस तरह से वो अब उतना ज़्यादा खुश नहीं है जैसे वो पहले रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब बट व्हाट इज़ आउट ऑफ हिज रीच। यहाँ पे कहा जा रहा है साहिब के लिए कि साहिब के लिए कैसे एक सपना जो है वो सच हुआ, पूरा हुआ, बट जो एक चीज़ है जो कि उसकी पहुँच से दूर है वो क्या है। सो आंसर, साहिब इज़ वेयरिंग डिस्कार्डेड टेनिस शूज। मीन्स साहिब जो है वो पहना हुआ है छोड़े हुए टेनिस शूज पहने हुआ है, और वन ऑफ देम हैज़ अ होल, और उनमें से एक शूज में एक होल हो गया है। ही डजंट बोदर अबाउट द होल, और उसे होल की परवाह नहीं है। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज विथ अ होल इज अ ड्रीम कम ट्रू, बट टेनिस द गेम He is watching so eagerly is out of his reach. So यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक जो सपना है वो पूरा हुआ, वो सपना ये है कि उसे टेनिस के जो जूते हैं वो मिल गए, हालांकि उस जूते में से एक जूता में होल है बट उसको इसकी परवाह नहीं है। और इस तरह से एक सपना उसका पूरा हो गया है और दूसरा जो सपना है कि वो टेनिस में काफ़ी उत्सुकता दिखाता है, मीन्स टेनिस का वो खिलाड़ी बनना चाहता है, बट वो उसकी पहुंच से दूर है। सो इसीलिए कहा गया है आउट ऑफ हिज रीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज साहिब्स लाइफ चेंज व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो साहिब का जो लाइफ है, साहिब का जो जीवन है, उसमें क्या परिवर्तन, कैसे परिवर्तन आया, जब व्हेन ही स्टार्ट्स वर्किंग एट द टी स्टॉल। मीन्स जब साहिब टी स्टॉल में काम करना प्रारंभ किया तब उसकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया। सो आंसर,
Now, साहेब is getting regular income. अभी जो है साहिब regularly income प्राप्त कर रहा है. He is paid 800 rupees and all his meals. और उसे 800 रुपये दिए जाते हैं पर मंथ और खाना भी दिए जाते हैं. But he has lost his carefree look. लेकिन वो अपना carefree जो look है वो खो चुका है. The steel canister in his hand now seems a burden. और जो स्टील का जो कैनिस्टर है वो ऐसा लग रहा है उसके हाथ में जैसे ये बर्डन है. He is no longer his own master. He has to work for longer hours. और वो अब स्वयं का मास्टर नहीं रहा और उसे घंटों काम करने पड़ते हैं. मीन्स पहले जब वो गार्बेज में था तो वो स्वयं का मास्टर था और वो अपने मन के हिसाब से काम करता था, एक घंटा, दो घंटा, तीन घंटा. बट अब ऐसा हो गया है कि वो अब दूसरे के अंडर में काम कर रहा है तो उसके लिए टाइम भी बढ़ गए हैं, समय भी, आवर्स भी बढ़ गए हैं और वो स्वयं का मास्टर भी नहीं रहा. और इस तरह से उनकी उनकी जो सिचुएशन है वो इस तरह से चेंज हो गई है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. टिल देन थैंक यू.